यहाँ जंगल में सारे जानवर सोने लगते हैं। जिराफ भी सोने जा ही रहा था तभी कुछ डरावना सा आवाज सुनाई देता है और जिराफ भाग जाता है और बंदर को भी आवाज सुनाई देता है, लेकिन उसके पीछे जिराफ बोल रहा था और जिराफ बहुत ही डरा हुआ था। फिर बंदर जिराफ को बताता है कि हाथी के सूंड में से आवाज आ रहा है, तो फिर हाथी भी जाग जाता है और फिर अचानक फिर से तीनों को आवाज सुनाई देता है। दोनों भाग जाते हैं लेकिन बंदर अकेला रह जाता है, तो हाथी अपने सूंड से बंदर को खींच लेता है और आवाज फिर से सुनाई देता है। बंदर जुगनू को पकड़कर टोस्ट बना लेता है, तो जुगनू बहुत गुस्सा हो जाती है और चली जाती है और आवाज फिर से सुनाई देने लगता है। इस डरावनी आवाज के पीछे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।